टर्की के मशहूर पोएट निज़ाम हिकमत साहब ने अपने दोस्त जो बहुत बड़े पेंटर हुए हैं टर्की के, उनसे कहा कि अबिदिन डीनो उनका नाम था, तो उनसे कहा कि अबिदिन एक पेंटिंग बनाइए जिसका टॉपिक होना चाहिए हैप्पीनेस। तो अबिदिन डीनो ने ये पेंटिंग बनाई जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। अबिदिन ने इसमें दिखाया एक टूटा हुआ पलंग है जिसके टूटी हुई साइड उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं क्योंकि वो उसकी पैर टूट चुका है, और बेड के ऊपर 6 बच्चे पति पत्नी सो रहे हैं, उनके साथ ही उनका एक डॉगी है, सिरहाने के पास एक छोटी सी बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है और मुर्गा है। इस फोटो में कोई भी और भौतिकवादी चीज नहीं है, मटेरियलिस्टिक जिसको हम कहते हैं, लेकिन सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी है, सोए हुए भी खुशी। घर की छत टपक रही है और जो घर के जो बच्चों के पिता हैं या पति हैं उन्होंने अपने ऊपर एक छाता ले रखा है। अबिदिन डीनो ने इस पेंटिंग को नाम दिया था, बड़ा लंबा सा नाम उन्होंने लिखा था इसके नीचे, हैप्पीनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ सफरिंग बट एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग। यानी खुशी ये नहीं है कि कोई तकलीफ या मुसीबतें नहीं है, खुशी ये है कि आपने उन मुसीबतों के वजूद को माना है और उनके साथ जीना शुरू कर दिया। तो आप इस पेंटिंग को देखकर खुश होइए और खुशी खुशी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।